उनके लिए काम करना है, उनको आगे लाना है, उनके मसाइल को हल करना है, उनकी छोटी छोटी तकलीफों को हमको दूर करना है। और आने वाले महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव में ये शहर के अंदर एक ताकतवर, एक मजबूत समाज को तोड़ने का काम, मालेगांव को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनसे लड़ने का वक्त आज। मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, डराने का काम किया। और हमारे दोस्तों को, साथियों को और एलियान शहर को मैं आज 15 अगस्त 78वीं योम आजादी की मुबारकबाद देता हूं। हमारे मुल्क 15 अगस्त को आजाद हुआ और आज हम जश्न मना रहे हैं। और आज हमारे लिए पहले 15 अगस्त ऐसी है जो हमारे बीच में शेख रशीद साहब नहीं है। और मुल्क की कुर्बानी के लिए, मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे उलमाओं ने, हमारे नेताओं ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म हर समाज के नेताओं ने, आवाम ने अंग्रेजों से लड़ा, अपनी जानें दी और ये मुल्क आजाद हुआ। और जो हमारे देश की घटना और संविधान बना, आईन बना, हर धर्म हर समाज हर जाति के लोगों को मुकम्मल अधिकार है, हक है अपने अपने मजहब से रहने का। और यही खूबसूरती हमारे देश की, हमारे मुल्क की है, यही गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन गंगा जमुना तहजीब को हमेशा नष्ट करने का काम, दो समाज को लड़ाने का काम देश में कुछ जातिवादी पार्टियां, जातिवादी शक्तियों ने, तंजीमों ने हमेशा तोड़ने का काम किया है। लेकिन आज देश की आवाम ये समझ चुकी है कि जिन लोगों ने, हर धर्म हर समाज के लोगों ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जाने दी, ये देश आजाद हुआ, तो इसको बिखरने नहीं देना है। और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, एक सेकुलरिज्म को, मुल्क को और संविधान को मजबूत करने का काम किया गया। आज हम लोगों को भी मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से फिरका परस्ती बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे शहर के खिलाफ में रियासत के फिरका परस्त पार्टियों के लीडरान की नजर है, रियासत के फिरका परस्त पार्टियों के ओहदेदारान की जो जहर उगलने का काम, समाज को तोड़ने का काम, मालेगांव को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनसे लड़ने का वक्त आज आ गया है। और आने वाले महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव में ये शहर के अंदर एक ताकतवर, एक मजबूत क्यादत की जरूरत है। 5 साल फिरका परस्तों ने मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, डराने का काम किया। और क्यादत की कमजोरी की वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए। मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से यह अपील करता हूं कि मालेगांव शहर को एक मजबूत क्यादत की जरूरत है, कमजोर क्यादत नहीं चलेगी। और यही फिरका परस्त लोग मुल्क को बर्बाद करना चाहते और वही फिरका परस्त लोग मालेगांव को टारगेट भी कर रहे हैं। तो आज शहर की आवाम ये बात को समझे, जाने और फैसला करे। दोस्तों और साथियों, मैं फिर एक मर्तबा आप तमाम ही लोगों को और शहर की आवाम को
15 अगस्त सदी की मुबारकबाद देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग आने वाले मिशन को, आने वाले संघर्ष को, आने वाले वक्त को, उसकी अहमियत को समझते हुए हम लोगों को अभी से आज से जुट जाना है और हमारा मिशन कंप्लीट करना है, शहर को बचाना है, शहर को मजबूत क्यादत देना है और समाज में उन लोगों को जो गरीब है, जो आखिरी लाइन में खड़े हुए हैं, उनके लिए काम करना है, उनको आगे लाना है, उनके मसाइल को हल करना है, उनकी छोटी छोटी तकलीफों को हमको दूर करना है। और शहर की आवाम आज हम लोगों से उम्मीद लगाए बैठी है। अगर हम लोग सब फैल गए पूरे शहर में और वो गरीब जो आखिरी लाइन में खड़ा हुआ है, जो वो बहुत कमजोर हो चुका है, आज उसको सहारा देने की जरूरत है, आज उसके मसाइल हल करने की जरूरत है, आज उसके लिए हिम्मत जुटाने की, हम लोगों को उसके साथ हिम्मत देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम गली मोहल्ले के अंदर अगर जाकर उनकी मेहनत करेंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो यकीनन ये शहर भी मजबूत होगा और जो पीछे की लाइन में खड़े हुए गरीब भी आगे आएंगे और हमको साथ लेकर चलने का हमारी अपनी कोशिश है। खैर, ये आज का मौका हमारा सियासी तकरीर का नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग बैठेंगे इसके ऊपर अच्छी चर्चा करेंगे और हम लोगों को साथ मिलकर इसी तरीके से काम करना है। बहरहाल मैं आज वापिस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।